हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डकैती की योजना बनाते हुए 5 गिरफ्तार, चोर लुटेरों की गैंग पकड़ी, दर्जनों वारदातों का खुलासा, 14 लाख रुपए की नकदी जब्त। कुंवर राष्ट्रदीप जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर ने बताया कि जिले में आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ के संबंध में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु सभी थानाधिकारियों को निर्देशित किया गया था, जिस पर भगत सिंह हिंगर वृत्ताधिकारी वृत्तनगर पूर्व उदयपुर के निर्देशन में श्री जितेंद्र आंचलिया थानाधिकारी एवं यशवंत सोलंकी उप निरीक्षक थाना हिरन मगरी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 2/8/2018 की रात को नेशनल हाईवे नंबर 8 पर गीतांजलि हॉस्पिटल से पहले रेलवे की पुलिस के नीचे नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहनों को लूटने एवं डकैती की योजना बनाते हुए 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया एवं उनके कब्जे से 2 ऑटोमेटिक पिस्तलमय मैगजीन एवं एक एक्स्ट्रा मैगजीन, 18 जिंदा कारतूस, 2 तलवार और एक फोर्ड फिएस्टा कार, 14 लाख रुपए नकदी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गणों ने करीब 8 चेन स्नैचिंग, 10 नकाब जनी और 20 से अधिक मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को करना स्वीकार किया है। गिरफ्तार शुदा मुलजिमानों से पूछताछ की गई तो पूछताछ से सामने आया कि उक्त मुलजिमानों के और भी कई साथी हैं, जिन्होंने उपरोक्त वारदातों के अलावा उदयपुर शहर और आसपास के इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी, मकानों में चोरी आदि वारदातों को अंजाम दिया है। इन वारदातों के खुलासे की पूर्ण संभावना है। गिरफ्तार अभियुक्त गणों से पूछताछ जारी है। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।